सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बना रहे हैं दोस्ती रोटी, एकदम पतली पतली सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां बनाएंगे। बनाना बहुत ही इजी है, जैसे हम सिंपल रोटी बनाते हैं वैसे ही ये बन जाती है तवे पे। तो चलिए इसको बनाना करते हैं शुरू। दोस्ती रोटी के लिए मैं यूज कर रही हूँ, ये एक कटोरी मैंने मैदा ले लिया है और एक कटोरी ले रही हूँ मैं आटा। आप चाहें तो सिर्फ आटा या सिर्फ मैदा से भी बना रहे हैं, मैंने दोनों को नाराज नहीं किया, दोनों को लिया है आधा आधा। और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक आधा चम्मच, मिला लेंगे पहले अच्छे से। और एक बड़ा चम्मच इसमें मैं तेल भी डाल रही हूँ। अब मिला लूंगी इसको मैं हाथ से, और इसके बाद बस हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बिल्कुल रोटी जैसा आटा लगा लेना है। जैसे हम नॉर्मली रोज घर में आटा लगाते हैं वैसे ही आटा हम पानी से गूंद लेंगे। आटा हमारे गूंद लिया है और इसको अब मैं 10 से 15 मिनट रेस्ट दूंगी, रेस्ट देना जरूरी है आटे को। अब हम बनाएंगे रोटी, गर्मी है तो रेस्ट देते समय आप आटे को फ्रिज में भी रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी में कई बार बहुत पड़ा पड़ा आटा काफी ढीला हो जाता है। तो अब इसमें से हमने बिल्कुल छोटी छोटी जैसे नींबू के आकार की लोइयां बना लेनी है। देखिए छोटी सी ली है मैंने, और लोइयों को ऐसे नॉर्मली सूखा आटा लगा के जैसे हम रोटी बेलते हैं, पहले हमें रोटी बेलूंगी इसकी। मैंने बेल ली है दो रोटियां। अब एक रोटी पे मैं ये घी लगा रही हूँ, घी या तेल कुछ भी लगा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ही लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। और अब ये दूसरी रोटी उठा के मैं उस रोटी के ऊपर रख दूंगी। और इसको अब हम फिर से सूखा आटा लगा के इस रोटी को बेलेंगे। और इसको बेलते समय आपने इस बात पे ध्यान देना है कि इसको प्रेशर हल्का हल्का किनारों की तरफ से दीजिएगा, बीच में से ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो रोटी फट भी सकती है। तो किनारों किनारों से बेलते हुए इसको हम बड़ा करेंगे, और जितना पतला आप बेल सके बेल लीजिए इस रोटी को। ये रोटी खाने में रुमाली रोटी जैसा भी आपको टेस्ट देगी, उसी तरह का इसका टेक्सचर भी आएगा। तो इसको मैं पतला सा बेल लूंगी। और ये रोटी डाल देंगे हम तवे पे, और फ्लेम हमने फुल रखनी है तवे की, और रोटी का साइज अपने आपने अपने तवे के हिसाब से ही रखना है, छोटा बड़ा जितना भी बड़ा आपके पास तवा हो। तो फ्लेम हाई रखने से ये रोटी थोड़ी सॉफ्ट बनेगी, ज्यादा लो कर देंगे हम तो ये रोटी हार्ड हो सकती है। इसको पकने देंगे हल्का हल्का, पलट देंगे और एक साफ कपड़े से हल्का हल्का दबा के इसको हम सेक लेंगे रोटी को। दोनों साइड से दबाते हुए इसी तरह से हम रोटी सेक लेंगे, और फिर से पलट के अब हम इधर से सेक लेते हैं रोटी को। और ये रोटी सिक गई है, अब इसे उतार लेंगे तवे से। और रोटी को पकाने के बाद इस तरह से हम अलग कर देंगे। बहुत पतली है ये रोटी तो ये कच्ची नहीं है, चाय इधर से नहीं सीखी है, लेकिन ये अच्छे से पक चुकी है और काफी सॉफ्ट और पेपर के जैसी पतली है, और आपको ये रुमाली रोटी जैसा ही मजा देगी रोटी खाने में। इसे साथ साथ ही सर्व कीजिए, नहीं तो इस तरह से फोल्ड करके इसको कपड़े में लपेट के रख देंगे तो ये सॉफ्ट रहेगी। और ये कर ली मैंने अपनी सारी रोटियां तैयार, अब हम इसे सर्व करेंगे पनीर की सब्जी के साथ। ये सर्व किया है मैंने इसे पनीर पसंदा के साथ, बहुत अच्छा लगा खाने में हमें ये कॉम्बिनेशन। और पनीर पसंदा की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप भी इसको कीजिएगा ट्राई, बहुत अच्छी लगेगा आपको ये कॉम्बिनेशन। ये सॉफ्ट सी रोटियां और बढ़िया सा रिच फ्लेवर हमारा ये पनीर पसंदा। तो मिलते एक नई वीडियो के साथ, थैंक यू।